सीएम की अपील का यहां नहीं कोई असर। हत्या की वारदात के खुलासे के लिए कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है। कोरोना को रोकने व बचाव हेतु भीड़ इकट्ठा न हो, जनपद में धारा 144 लागू है, लेकिन यहां पीएम की अपील का कुछ लोगों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। पीएम मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग और घरों से कम बाहर निकलने की अपील की थी। हर तरफ कोरोना से बचने के एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन बागपत में हत्या की वारदात के खुलासे के लिए सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हो गए हैं। आपको बता दें कि बीती रात्रि बागपत कोतवाली क्षेत्र के कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी गांव में बाघू मार्ग पर स्थित एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाली एक महिला की हत्या कर दी गई। मजदूरी कर अपने परिवार को चलाने वाली 55 वर्षीय महिला का शव खेत में लहूलुहान व नग्न अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी माय फोर्स के मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि महिला कल सुबह से लापता थी। सूचना पाते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन दुष्कर्म के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज परिजनों के साथ सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिजनों ने बागपत कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं कलेक्ट्रेट में हंगामा कर रहे परिजनों को देख डीएम बागपत शकुंतला गौतम परिजनों के बीच पहुंची और पीड़ित परिजनों की समस्या को सुना। घंटों तक हंगामा प्रदर्शन कर रहे परिजन डीएम बागपत के आश्वासन के बाद भी शांत हुए। पीड़ित परिजनों की समस्या को सुनकर डीएम बागपत ने एसओ व सीओ बागपत को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का कहा। वहीं एसपी बागपत प्रताप गोपेंद्र यादव का कहना है कि रात्रि में ही जिन लोगों पर परिजनों ने शक जताया था उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले की जाँच कर हत्या की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इन सैकड़ों लोगों को कलेक्ट्रेट परिसर में कैसे इकट्ठा होने दिया गया, जबकि दूसरी ओर पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस को लेकर खतरा बना हुआ है। सर, मेरा नाम ममता है। आज कलेक्ट्रेट पे आए हो, किस बात को लेकर आए? क्या मामला? गरीब महिला की हत्या हुई है, जो बेचारे के भट्टे पे ही पिटाई का काम करती थी सर। और सर, जो महिलाएं इतनी गरीब मलिन बस्ती में रहते हैं, उनका काम ही खेती करना और भट्टे पे ईंट पाथना है, अपने बच्चों का गुजारा करते हैं सर। कहाँ का मामला है सर? ये वार्ड नंबर 2 टटीरी अग्रवाल मंडी बागपत। अब क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? सर, कार्रवाई की थी, लेकिन जो महिलाएं हैं इनकी दहशत इनके दिल में बसी हुई है। दहशत के मारे ही यहाँ पे अपना इंसाफ मांगने के लिए आई है सर। बार बार नारी के साथ ऐसा ही अन्याय होता है सर। मुख्यमंत्री जी से एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये इस तरह की कार्रवाई दरिंदे पलते जा रहे हैं देश में सर। इसीलिए से बहुत दुख की बात है, जो महिलाएं कहीं बेधड़क हो गए, कुछ अपनी रोजी के लिए कुछ कर भी नहीं सकती, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। क्या नाम था उसका? सर, उसका नाम जयंती था सर। को लेकर आए, किस मांग को लेकर आए, क्या घटना थी? हमारे यहाँ से अग्रवाल मंडी टटीरी में, नाम मेरा संतरा देवी है, अग्रवाल मंडी टटीरी में दलित महिला है, जो भट्टे पर ईंट पथाई का काम करती है। और ईंट पथाई का काम करके जैसे अपने घर पर लौट रही थी, कैसे भी हुआ उसके साथ में ऐसी घटना हुई है कि हमारी लेडीज पे हमें न्याय चाहिए। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि उस लेडीज के साथ में बलात्कार हुआ, बलात्कार करने के बाद में उसकी हत्या कर दी। किस गांव की है? अग्रवाल मंडी टटीरी की है, अंबेडकर नगर अग्रवाल मंडी टटीरी। तो यहाँ जो कलेक्ट्रेट में बैठे, तो यहाँ किस चीज को लेकर क्या हम कलेक्ट्रेट कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई के लिए तो पोस्टमार्टम के लिए उठा के पुलिस ले गई थी, और हम चाहते हैं कि जिसने भी वो काम किया है उसको सख्त कार्रवाई करने के लिए, जैसे हमारी महिला के साथ हुआ ऐसी घटना उनके साथ भी हो है, जिसने यह अत्याचार कराया है। और औरतों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जैसा अब अत्याचार ऐसा हुआ, अगर हमारी बहू बेटियों पर ऐसा अत्याचार होता रहा, हमारी माता बहनों पर ऐसा अत्याचार होता रहा, तो हमारा क्या जीना रहा, क्या सुरक्षा रही? औरतों पर जो घटनाएं हुई जी, हम फांसी दी जा रही है अब तो। हाँ हाँ, हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी वो लेडीज हमारे साथ में, जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ, जिसने भी ये काम करा, उनके साथ भी ऐसी घटना, उन्हें फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। तो हमें आज इतने दुख की बात है, हमारी जितनी महिलाएं, हम बहुत दुख के साथ में आए हैं। हम इस कलेक्ट्रेट में डीएम साहब तक हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हम ऐसा न्याय चाहिए कि जैसे भी हमारी बहन की हत्या हुई है, ऐसे ही हत्यादारों को भी हत्या होनी चाहिए। ये हमारा, इसलिए हम कलेक्ट्रेट में आए। क्या मामला है?
कल रात्रि में एक सूचना आई करीब 8:30 के आसपास, एक दिनेश है टटीरी के ही रहने वाले, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी पत्नी जो लगभग 55 वर्षीय हैं जयंती, वो गायब हैं और मिल नहीं रही हैं। उनका पूरा परिवार बाघू गांव में जो वहां के वर्तमान ग्राम प्रधान सुरेंद्र हैं उनके भत्ते पे काम करता था और पैदल ही वो अक्सर उनका परिवार वहां से खेतों से होकर के रास्ते से अपने घर आया करता था। क्योंकि जब इनका वो जो जयंती है मृतका है वो पहले घर आ गई थी 3 बजे के आसपास और उनका बाकी का परिवार 7:30 या 8 बजे के आसपास जब घर आया तो उनको पता चला कि उनकी पत्नी घर पे नहीं पहुंची हैं, तो इसकी सूचना उन्होंने थाने पर दी। इसमें पुलिस टीम और उनके परिजनों ने मिलकर जब खोजना शुरू किया तो उनकी डेड बॉडी उसी रास्ते के साथ में जो गन्ने का खेत था वहाँ पर पड़ी हुई मिली। उनके सिर पर ईंट से चोट मारी गई थी, वो खून आलूदा जो ईंट थी वो भी वहाँ थोड़ी दूर पे ही पास में पड़ी हुई थी। तो उनकी जैसी जानकारी मिली तो तुरंत उनकी बॉडी को कब्जे में लेकर के और मछली पहुंचाया गया। उसके अलावा वहां पर एफसीएल की टीम को भेजा गया, वहां पर मैं स्वयं मौके पर गया था, वहां पर एडिशनल एसपी और सीओ भी गए थे और हमने डॉग स्क्वाड को भी बुला करके वहां पर सर्च करवाई। तुरंत उनकी तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शव परीक्षण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। बाकी उसमें कुछ लोगों का उन्होंने बाइस्तबार नाम बताया था कि ये लोग हो सकते हैं, इनके ऊपर उनके परिजनों को शक था, उनको रात को ही गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ भी की गई है, अभी पूछताछ जारी है। कुछ लोगों के ऊपर और शक जा रहा है, उनको भी उठा करके पूछताछ की जा रही है। इसमें बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण करके आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। महिला है जयंती जो एक भट्टे से काम करके आ रही थी, उसका पति जो है थोड़ा अस्वस्थ था तो वो किसी और के साथ चला गया, उस महिला के साथ जो है उसकी हत्या हो गई है। तो उसमें जो है डेड बॉडी आ चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए मैंने पैनल से और वीडियोग्राफी करने के निर्देश दे दिए हैं और अरेस्टिंग करने के निर्देश दे दिए हैं। जो उसको आर्थिक सहायता मिलनी है क्योंकि अनुसूचित जाति की महिला है तो उस एक्ट के तहत जो सहायता है उसके लिए एसपी साहब को प्रस्ताव भेजने के लिए कह दिया है, क्योंकि संख्या काफ़ी है, 50-60 की संख्या में यहाँ लोग आए हुए थे, तो उनको समझाया भी है कि कोरोना वायरस के दर रखते हुए इतनी भीड़ में कहीं ना जाएं, 5 लोग भी यदि कहीं आते एक व्यक्ति भी आता तो बात उनकी उतनी ही सुनी जाएगी। तो ये निर्देश दिए हैं और एसओ को और सीओ को बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसमें जो है जो भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी तत्काल करें। थैंक यू।